सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबको जय यीशु। योहन का पहला पत्र अध्याय एक वाक्य सात, फर्स्ट जॉन चैप्टर वन वर्स सेवन, ईश्वर के पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। एक सवाल है, ईसा का रक्त हमें कैसे शुद्ध करेगा? ईसा मसीह का रक्त हमें कैसे पापों से शुद्ध करता है? तो कई बार पवित्र रक्त के प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे सिर से लेकर के पाप तक तेरे पवित्र लहू को विलेवन करता हूं, अंधकार की शक्ति से, रोग की शक्ति से, समय में तेरे रक्त के शक्ति के द्वारा छुटकारा दे। ऐसे ऐसे कई प्रार्थनाएं हैं, पवित्र रक्त की प्रार्थना। बाइबल में साफ साफ एक लिखा हुआ है, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तो ये कैसे रक्त शुद्ध करता है? यदि मैं कोई ऐसा पाप किया तो उससे शुद्धि के लिए मैं क्या करूं? एक अच्छा सवाल है। इस वचन का क्या अर्थ है, इसकी थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत भी है। यह रक्त का क्या अर्थ है, मेरे विचार में मैंने एक दो क्लास इसके ऊपर इसे पूर्व में डाल चुका है। रक्त का क्या मतलब है? इसके लिए सबसे पहले रक्त पाप, रक्त के द्वारा पाप धुलता है, इसको समझने के लिए मैं उस समय पर बहुत सरल तरीके से उसको समझाया था, मुझे याद है। सबसे पहले पाप क्या है इसको समझना, पाप को धोता है तो पाप क्या है इसको समझना जरूरी है। पाप किसे कहते हैं? योहन का ही पहला पत्र अध्याय तीन वाक्य चार के अंदर, फर्स्ट जॉन चैप्टर थ्री वर्स फोर में लिखा है, जो पाप करता है वह आज्ञा का उल्लंघन करता है, ईश्वर की आज्ञा का भंग कर रहा है, क्योंकि पाप आज्ञा का उल्लंघन है। आज्ञा का उल्लंघन को पाप कहते हैं। आज्ञा को मानने को क्या कहते हैं? योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु ने कहा, ईसा मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इसका मतलब है, ईश्वर का प्यार का मतलब है आज्ञाओं का पालन करना। संत योहन भी लिखते हैं, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 3 में लिखा हुआ है, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। यदि पालन करना ईश्वर का प्रेम है, उन आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है। इसका मतलब क्या है? प्रेम ईश्वर से हमें जोड़ता है, पाप हमें ईश्वर से अलग करता है। फिर से बोल रहा हूं, प्रेम ईश्वर से हमें जोड़ता है। मान लो माता पिता ने बच्चों से कुछ आज्ञा दिया, बेटा इधर आओ, बच्चा आ गया,
माँ अपने गले लगा करके मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लाडला है बोल करके प्यार करता है जोरदार। यदि वो बच्चा उल्टा जा रहा है, बोले कि देखो ये शैतान लड़का है, कुछ भी नहीं मानता, वो बच्चा मम्मी पापा का कहना ना मान करके विरुद्ध में जा रहा है, इसका मतलब दूर जा रहा है, इसको पाप कहते हैं। उड़ाव पत्र पिता से दूर गया, पाप किया। जब लौट करके आया, प्रेम में आया, जुड़ गया, उनको पाप मुक्ति मिल रहा है। तो प्रेम के साथ इस पाप को जोड़ करके सीखना। नबी इसहाक का ग्रंथ के अंदर भी तो ये तो पढ़ते हैं हम लोग, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 के अंदर इसाया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ, वो सुन सकता है। वाक्य 2, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। देखो अधर्म, यहां अधर्म आ गया, धर्म का विरुद्ध। धार्मिक जीवन ईश्वर से जोड़ता है, अधर्म ईश्वर से दूर कर दिया। इसके बाद अगला क्या लिखा है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें ईश्वर से विमुख कर दिया। पाप आकर के ईश्वर से विमुख कर दिया, दूर कर दिया। ईश्वर के साथ जुड़ता है प्यार, पाप दूर करता है। इसीलिए रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में लिखा है, पाप का वेदन मृत्यु है। इसका मतलब पाप माने ईश्वर से अलग हुआ। उस दाखलता से जुड़े रहेगा तब हमें उस दाखलता से जीवन मिल रहा है जुड़ करके। जब हम कट गया, अलग हो गया, पाप ने हमें काट दिया, वहां पर मृत्यु आ गया। मेरे विचार में इतनी बात आपको समझ में आया, इसलिए मृत्यु हुआ कहते हैं। ईश्वर ने आदम एवा से भी यही कहा था, वो फल खाना नहीं, उसको स्पर्श तक नहीं करना, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है तुम उसको देखना नहीं, स्पर्श नहीं करना, खाना नहीं। उस आज्ञा का उल्लंघन मृत्यु लेके आया, यही है मृत्यु, ईश्वर से अलग होना, कटना, इसको मृत्यु कहते हैं। अभी मृत्यु क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ईश्वर से जुड़े रहने में ईश्वर का वो जीवन तत्व हमारे अंदर ईश्वर से मिल रहा है। ईश्वर से कट गया, दाखलता से कट गया, वो जीवन तत्व नहीं मिल रहा है, इसलिए मृत्यु आ गया। अभी देखने वाली बात है ये जीवन तत्व कहां पर है। लेवी ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 11 में और वाक्य 14 में लिखा हुआ है, लेवी ग्रंथ, लेवी चैप्टर 17 वर्स 11, वहां पर लिखा है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति कहां है, रक्त में है, रक्त में जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति रक्त में। जब हम पाप करते हैं इसका मतलब रक्त मैला हो गया, अभी हमें उस मैले पाप से, मैलापन से, उस रक्त से धोना है। हमें ऐसा एक रक्त की जरूरत है जो जीवन दे सकता है, क्योंकि हमारे रक्त के अंदर पाप है, मृत्यु बसा हुआ है। रक्त में अगर जीवन है, हमारा रक्त पाप में हो गया, पाप के कारण कलंकित है। अभी हमें उस पाप से मुक्ति देने के लिए फिर से रक्त की जरूरत है, क्योंकि उसका कीमत देना है। यदि एक पेन खरीदना है, 10 रुपया का पेन है, दुकानदार को इसका कीमत 10 रुपया जब देगा, वो एक पेन हमें देता है, इसका कीमत देना है। उसी प्रकार पाप का कीमत अगर मृत्यु है, उस मृत्यु से हमें जीवन में लाने के लिए एक जीवन का कीमत देना है, वो रक्त में है। क्योंकि रक्त में, वो रक्त को तो जनरली हम लोग बोलते हैं इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है,
कोई मूल्य नहीं लगा सकता। क्या कारण है? क्योंकि उसमें जीवन निहित है। जीवन देने वाला उस रक्त का कोई कीमत नहीं है। तो जीवन के लिए रक्त देना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि रक्त में जीवन है। अभी ऐसा एक रक्त का जरूरत है जिस रक्त में कोई पाप नहीं है, इसलिए आदम और हेवा ने पाप किया। हेवा के द्वारा समस्त हम हेवा के संतान होने के कारण हम भी उस पाप में, इसको बोलता है जन्म विशुद्धि के अभाव में हम लोग भी जन्म ले रहा है, उसको जन्म पाप कहते हैं। जन्म पाप का मतलब है जन्म विशुद्धि उसके अंदर नहीं है, इसका अभाव में जन्म लिया। इसके हेवा के संतान हम होने के कारण हमारे अंदर जन्म विशुद्धि का अभाव आ गया, अर्थात जन्म पाप आ गया। इसलिए हमारा रक्त, किसी भी मनुष्य का रक्त हमारे पाप को नहीं हर सकता। फिर क्या भेड़ बकरों का? इब्रानियों का पत्र दिया है 10 के अंदर में साफ साफ बोल करके दे रहा है, ना कोई सांड का या बकरों का रक्त मनुष्य का पाप नहीं हर सकता। इसका मतलब मनुष्य का पाप को हरने के लिए मनुष्य की रक्त की जरूरत है, उसी की कीमत देने की जरूरत है। तो मनुष्य में कोई ऐसा निष्पाप व्यक्ति नहीं है, सब पापी जन्म ले रहा है। इसीलिए ईश्वर को मनुष्य बनना पड़ा ताकि ऐसा एक रक्त लेकर के आवे जो मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करे। तो ईसा मसीह ने हम मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर हमें पाप से छुटकारा देना है। उस पाप का प्रायश्चित ईसा मसीह ने अपने शरीर पर किया, क्योंकि हम शरीर में अपना पाप किया, अपने शरीर के कारण हमारा पाप हुआ। इसलिए ईसा मसीह ने शरीर में पापों को दंडित किया। इसके बाद अपना बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमें मुक्ति देता है। पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 18 से थोड़ा पढ़ लेते हैं, वहां पर इस विषय में लिखा हुआ है। 1 पीटर 1:18। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से, वो पापी जीवनचर्या, चाहे किसी भी प्रकार का पाप माता पिता कर रहा है, वो बच्चे सबों में आ रहा है, बच्चे भी वही कर रहा है। ये नहीं सोचना माता पिता का पाप बच्चों में आ गया, बच्चे भी उसी के अनुसार जी रहा है। माता पिता प्रार्थना नहीं करता था, चर्च नहीं जाता था, बच्चे भी नहीं जा रहा है। माता पिता नशा करता है, विचार करता, वासना का पाप बच्चे भी कर रहा है। इस प्रकार बच्चे भी उनका अनुकरण करते हुए पाप में, इस कारण उन जीवन निरर्थक जीवनचर्या से हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नजरे चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि क्या कीमत दिया? वहां पर लिखा हुआ है, एक निर्दोष तथा निष्कलंग मेमने, अर्थात ईसा मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ। ईसा मसीह ने इस प्रकार अपने रक्त के द्वारा हमें शुद्ध किया, क्योंकि एक पाप रहित रक्त था, उसको फल हमें प्राप्त करने के लिए क्या ये प्रार्थना करना काफी है? प्रभु आपके पवित्र रक्त में हम विश्वास करते हैं और हमारे सिर से लेकर के पाप तक उसे विलेपन करते हैं, इसके द्वारा हमारे पापों को क्षमा करो। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस रोमन्स Chapter 3:25 को भी पढ़ते, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। प्रभु का, ईसा मसीह का निष्कलंग रक्त का छिड़काव हम पापियों पर, हमें शुद्ध करने के लिए। सॉरी, और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हमें विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करना है। कैसा विश्वास करना है? ईश्वर का वचनों पर विश्वास। पाप मुक्ति के लिए हमें क्या करना है? अभी वापस मैं जाना चाहूंगा
योहन का पहला पत्र अध्याय एक के अंदर, योहन का पहला पत्र अध्याय एक वाक्य सात में हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु ईसा मसीह का रक्त हमें पाप से मुक्ति देता है। वहां खत्म नहीं हुआ है, अभी वाक्य आठ और नौ को भी पढ़ लेते हैं। वहां पर क्या लिखा है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है, हमने कोई पाप नहीं किया, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि कोई ये कहता है मैंने प्रार्थना किया, मैंने बपतिस्मा ग्रहण कर पाए, पाप मुक्त हो गया, अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, पाप शिकार का जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, ऐसा कोई बोल रहा है, वो अपने को धोखा दे रहा है। आगे लिखा हुआ है, हम अपने को धोखा दे रहा है ये बोलकर, मुझे पाप शिकार की जरूरत नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया, ईसा मसीह का रक्त मुझे धो लिया है, मैं शुद्ध हो गया, मैं स्वर्ग के लिए योग्य बन गया। बिल्कुल, ईसा मसीह का रक्त हमें स्वर्ग के लिए योग्य बनाया, बपतिस्मा के द्वारा उसको हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद करने वाला पापों के लिए क्या करना, यहां लिखा हुआ है, यदि हम पाप स्वीकार करते हैं, अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं, तो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर जो रक्त बहाया, उसका फल प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, पापों को स्वीकार करना और उन पापों को छोड़ना जरूरी है। इसलिए ईसा मसीह जी उठने के बाद शिष्य लोगों से मिलकर के योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 से पढ़ करके जाना, वहां पर हमें मिलेगा ईसा मसीह उनके पास आया, उन्हें आशीर्वाद दिया, शालोम, तुम्हें शांति मिले। इसके बाद बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। पिता ने क्यों भेजा, पापों को क्षमा करने के लिए। उसी प्रकार शिष्यों से कहते हैं, सब लोगों से नहीं कहा, वहां पर उपस्थित 11 शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें भेजता हूं। भेजा, भेजने वाला अर्थात प्रेरित, उनसे कहते हैं वाक्य 23, जिन लोगों का पाप तुम क्षमा करोगे वे पाप से मुक्त हो जाएंगे। पाप से मुक्ति के लिए प्रेरितों को एक अधिकार दिया, तुम लोग अभी पाप क्षमा करना। इसके बाद कहते हैं, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा वे अपने पाप में बंधे रहेगा। अर्थात ये प्रेरित लोग, ये शिष्य लोग, उनके उत्तरदायी संत पापा और बिशप लोग और प्रीस्ट लोग, जिनका पाप क्षमा नहीं करेगा वे पाप में बंधे रहेगा। इसलिए आदिम कलीसिया में हम लोग देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 18-19 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पाप करने वाले लोग कलीसिया के सामने आकर के अपने पापों को स्वीकार करता था। कलीसिया के सामने पब्लिकली पापों को बोलने का रीति था आदिम कलीसिया में। उसको 7वीं सदी में आकर के कैथोलिक कलीसिया ने उसको पर्सनल प्राइवेट कन्फेशन बनाया। अब पब्लिकली बोलने की जरूरत नहीं, केवल पाप क्षमा करने का अधिकार। वहां पर भी पुरोहित उनको पाप का क्षमा करता था, दंड देता था, लोगों के सामने जरूर स्वीकार करता था। तो यहां पर पर्सनली जाकर के उनको बोलो, पुरोहितों को बोलो, वो क्षमा करता है। कुरिंथियों का दूसरा पत्र दिया है 5:18 के अंदर संत पौलुस भी कहते हैं, ये मेल मिलाप का कार्य हम प्रेरितों को केवल दिया है, प्रेरित लोगों का कार्य है, ये सब लोग नहीं है। अभी पाप स्वीकार का तरीका, एक क्लास और मैं मुझे लेना पड़ेगा, उसमें मैं बता कर दूंगा कैसे कैसे हमें ये करना है करके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु ईसा मसीह का रक्त के द्वारा शुद्ध होने के लिए सबसे पहले हमें पश्चाताप कर पापों को स्वीकार करना है, पाप को त्यागना जरूरी है, पाप को छोड़ना है। पाप को पाप समझ करके उसको छोड़ने के बाद प्रभु से प्रार्थना करना। हम लोग जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2:23 के अंदर पढ़ते हैं, एक्सोडस
22:23 वहां पर जो गुलामी में पड़े हुए इसराइली लोग चीखते चिल्लाते थे, रोते थे ईश्वर को बुला करके, तब उनका रोना प्रभु ने सुना। यदि हम पाप में जकड़े हुए बंधे हुए किसी ऐसा पाप को हम छोड़ नहीं पा रहा है, नशा छोड़ नहीं पा रहा है, व्यभिचार, स्वयंभोग, अन्य ऐसे पाप में हम जकड़े हुए, जंजीर में पड़े हुए, इस जंजीर में पड़े पड़े जैसे इसराइली लोग ने कराहा, प्रभु के कान तक उनकी कराह ना पहुंचा, प्रभु उस जंजीर से, उस गुलामी से उन्हें निकाला। हमें भी इस प्रकार प्रभु को पुकारना है, प्रभु मुझे इस पाप के बंधन से, इस लड़ाई झगड़ा, इस नफरत से, बंधन से मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु हमें हमारा उद्धार करेगा। निर्गमन ग्रंथ 12:12 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, इस प्रकार के बंधनों को तोड़ने का प्रभु हमारे पास आएगा, हमें शुद्ध करने का। प्रार्थना इसके बाद करना चाहिए, प्रभु मैं आपका पवित्र लहू में विश्वास करता हूं, जिस लहू के द्वारा बपतिस्मा के समय मुझे मुक्ति मिला, उस पावन लहू में विश्वास करते हुए, तेरे कलवारी पहाड़ पर बहाने वाले उस रक्त की कीमत पर मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अब से ऐसा पाप ना करने का, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। प्रभु का वो रक्त हमें तब शुद्ध करेगा। हमें मालूम है नबी एलीशा की कुछ घटना है, जहां पर कड़वा पानी था, पीने लायक नहीं था। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2:21 से हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां पर नबी के पास शिकायत आया, ऐसा पानी उपयोग करने लायक नहीं है। तो नबी ने प्रार्थना किया, उसमें नमक डाला, एक कटोरा लेके आओ बोला, उस कटोरे के अंदर पानी लेके आया, उसके अंदर नमक डाला। नबी ने ये कार्य कर वो वहां के सभी कुओं का पानी को पवित्र किया। उसी प्रकार एक और घटना आगे अध्याय 4 के अंदर वाक्य 38 से अगर देखेंगे, वहां पर कुछ भोजन जो बनाया वो पॉइसन था, जहरीला था, और उसके अंदर प्रभु ने प्रार्थना कर थोड़ा आटा डाल करके उसे प्यूरिफाई किया, सब लोग उसको ग्रहण किया। तो इस प्रकार का प्यूरिफिकेशन जो इसमें विष भी है वो प्यूरिफाई करेगा, ईसा मसीह का पवित्र लहू। उसके लिए हमारे अंदर के कड़वाहट को, ये पाप को प्यूरिफाई करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हमें प्रार्थना करना है पवित्र लहू का संरक्षण का, पवित्र लहू का शुद्धिकरण का। ईसा मसीह ने एफेसियों का पत्र दिया 1:3 में स्वर्गीय सारे वरदान हमें दे चुका है, क्योंकि वो क्रूस पर मरकर अपने पवित्र रक्त को छिड़का करके एक कार्य कर चुका है। अभी हमें बदलने की जरूरत है, हमारे अंदर के नफरत, पाप, इसको पाप स्वीकार के द्वारा निकालने की जरूरत है, तब प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करेगा। इब्रानियों का पत्र दिया 9:13-14 के अंदर भी प्रभु का रक्त हमें, हमारे अंतकरण को भी शुद्ध कर सकता है, ये लिखा है। पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1:2 के अंदर प्रभु का रक्त का छिड़काव के विषय में भी लिखा हुआ है, और अध्याय इब्रानियों का पत्र अध्याय 12:24 में भी पवित्र रक्त का छिड़काव के विषय में। तो हमें छिड़काना है, उससे पूर्व में हमें पवित्र लहू में विश्वास करते, प्रभु ने जो कलवारी क्रूस बलिदान द्वारा जो पाप मुक्ति का जो कार्य किया, उस मुक्ति को एक कन्फेशन, पाप स्वीकार के द्वारा करना जरूरी है। इसका मतलब सबसे पहले उन पापों को घृणा करते हुए छोड़ने का निर्णय करना और उसको पुरोहितों को बोलना जरूरी है। इसके बाद अपने शरीर में प्रभु ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 19:34 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, कलवारी पहाड़ पर जो रक्त और जल का बहाव हुआ था, वो रक्त हमें प्यूरिफाई करेगा जब हम उस पानी के द्वारा धोते हैं।
धोना है पहले, पाप स्वीकार परम पवित्र एक संस्कार है, उसमें पवित्र आत्मा हमारे मदद करता है। वो जल पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है, इसका मतलब पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के एक अच्छा पाप स्वीकार कर हमें शुद्ध करना पहले, इसके बाद ईसा मसीह का रक्त का छिड़काव चंगाई देगा और हमें सामर्थ्य शक्ति देगा, जीवन देगा, स्वर्ग राज्य के या लायक बना देगा। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ईसा मसीह का रक्त हमें हर अधर्म से शुद्ध करता है, मुक्ति देता है। उसके लिए हमें अपने को सबसे पहले पाप स्वीकार कर, पाप को छोड़कर प्रभु के पास लौट करके उस कलवारी क्रूस के नीचे रह करके छिड़काव करना है। प्रभु से दूर रह करके नहीं, प्रभु से जुड़कर, कलवारी से जुड़कर रहना, पापों को स्वीकार कर, पाप को छोड़कर एक नया जीवन जीकर उस छिड़काव के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे। धन्यवाद दीजिए। ऐसे पाप में जीवन जीने वालों को समर्पित करता हूं, जो नशे के बंधन में, वासना के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, लड़ाई झगड़ा के बंधन में, जो शैतानी बंधन में पड़े हैं, उनके लिए समय पर प्रार्थना करता हूं। जो बीमार लोग हैं उनकी बीमारी के ऊपर उस पवित्र लहू को छिड़काता हूं, निसंदानों पर छिड़काता हूं। जो शैतान के बंधन में पड़े हुए, बुराइयों में पड़े हुए, जिनके विवाह में बाधाएं, रोजगारी नहीं है, ऐसे लोगों पर यीशु के रक्त को छिड़काते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के रक्त के शक्ति के द्वारा शैतान के सारे बंधन टूट जाएं, शुद्ध हो जाएं, आशीष मिले, कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।